हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथियों, आपको हम ये महावीर पब्लिकेशन की पूरी किताब याद कराने वाले हैं, जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र की थ्योरी की किताब है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज इसमें MCQ दिए गए हैं, तो हर किसी के हाथ में ये किताब होनी चाहिए। बहुत ही शानदार किताब है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं इस किताब के केवल MCQ आपको करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि यूरी व्रोनफेनब्रेनर के अनुसार ऐसी प्रणाली जो कि छोटा आसन्न वातावरण होता है जिसमें बच्चा रहता है। तो आपको याद रखना है साथियों, माइक्रोसिस्टम होता है, माइक्रोसिस्टम प्रणाली जो रहती है ये एक छोटा आसन्न वातावरण रहता है जिसमें बच्चा रहता है, भाई माइक्रोसिस्टम है, ठीक है। ये किसने कहा है? यूरी व्रोनफेनब्रेनर ने कहा है और ये MPTET 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान आपको करनी है, भाई। तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन कौन सा होता है? भाई, वजन गुणात्मक परिवर्तन है या दृष्टि, बाल या फिर दांत? तो आपको याद रखना है कि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत साथियों आएगा आपका क्या? दृष्टि आएगा। वजन तो किस कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आएगा साथियों? ये मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत जो है वजन आएगा, ठीक है। वजन, बाल, दांत और दृष्टि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत। अब देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस आयु में बच्चे स्वयं को पहचान सकते हैं कि वह लड़का है या फिर लड़की है? यह भी 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो भाई, 5 वर्ष की आयु में बच्चा खुद को पहचान लेता है, या 4 वर्ष की आयु में, या 3 वर्ष, या फिर 6 वर्ष की आयु में? तो आप याद रखिएगा, लगभग 3 वर्ष की आयु में बच्चा स्वयं को पहचान सकता है कि वह लड़का है या फिर लड़की है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास से तात्पर्य कौन से परिवर्तनों से होता है जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं? तो बाल विकास से तात्पर्य साथियों होता है आपका जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है, ठीक है, जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के बीच के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र का अर्थ भाई क्या होता है? बच्चे को शिक्षित करना ही शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, या बच्चे का नेतृत्व करना, या बच्चे को गाइड करना, या बच्चे को समझना? तो भाई, शिक्षा शास्त्र का जो अर्थ होता है वो होता है भाई बच्चे को समझना, ठीक है। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्या है? आपको बच्चे को समझना है, एक टीचर को। अगला प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र का जो अध्ययन होता है ये अधिगम प्रक्रिया होती है, या फिर शिक्षण विधि, या फिर छात्रों को गाइड करना, या फिर शिक्षा? तो आप याद रखिएगा कि जो शिक्षा शास्त्र होता है ये अधिगम की प्रक्रिया होती है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि बच्चे जो है खुद में जो विकसित करते हैं ना, वो होता है साथियों क्या? अधसंज्ञान होता है, ठीक है। बच्चे खुद में अधसंज्ञान विकसित करते हैं जब वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत हो जाते हैं। प्रश्न है कि बाल विकास भाई किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि जो बाल विकास होता है ना, ये साथियों केवल मात्रात्मक परिवर्तन से भी संबंधित होता है और गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो आपको याद रखना है विकल्प सी इसका सही जवाब है कि मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होता है, ठीक है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। साथियों, अब मैं आपको एक विशेष चीज बता दूं कि वर्ग 3 परीक्षा के लिए आप हमारा तेज एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री हैं। 500 प्लस टेस्ट मिलेंगे सभी विषयों के, पांचों विषयों के, ठीक है। 50 मॉडल पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और सब कुछ फ्री है। देखिए, अब देखिएगा प्रश्न है अगला कि विशेष रूप से विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम होता है। तो भाई, विशेष रूप से केवल मोटर क्षेत्र के विकास के कारण, या फिर न तो संवेदी और न ही क्रियात्मक क्षेत्र के कारण, या फिर केवल संवेदी क्षेत्र के विकास के कारण, या फिर संवेदी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों के विकास के कारण भाई शिशु गतिशील होने में सक्षम होता है? तो विकल्प डी इसका सही जवाब है, ठीक है। विशेष रूप से कोई भी जो बालक होता है उसके विकास के कारण शिशु गतिशील होने में क्या होता है भाई? सक्षम होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है भाई, बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ? तो बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ जो बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर, वो ये है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से
प्रभावित होता है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में यहाँ पर गलत दिया गया है? विकल्प है कि शक्ति और गति भाई मानव विकास के संबंध में गलत हैं। भाई शक्ति और गति ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत जो है दिया गया है। ठीक है, विकल्प ए, विकास जो रहता है वो पूर्वान्वय होता है, प्रशिक्षक और अधिगम इसमें शामिल रहते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि गरीब बच्चे के विकास के लिए प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक कौन सा होता है? भाई तो गरीब बच्चे के विकास के लिए जो प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक होता है वो डायरिया होता है या एचआईवी या मधुमेह या फिर चेचक, तो आप याद रखिएगा एचआईवी होता है। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये भाई गलत दिया है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, ये भी गलत है। विकास जो रहता है साथियों व्यवस्थित रहता है और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर विकल्प सी क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम भाई निम्न में से कौन सा है? तो आप याद रखें कि शारीरिक विकास का जो एक प्रमुख नियम है वो ये होता है कि शारीरिक विकास द्रुतगामी विकास का नियम है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है भाई? द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। अगला प्रश्न है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा यह कथन दिया है साथियों हरलॉक ने। ठीक है, किसने दिया है? हरलॉक ने। और इस प्रश्न को आप स्टार लगाइएगा। ठीक है, कथन आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और साथ ही साथ आप याद करते चलें, लिख लेना कहीं भी। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कहा है हरलॉक ने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा कि शैशव काल का समय भाई क्या होता है? शैशव काल का समय 12 से 18 वर्ष या 15 वर्ष तक या जन्म से 6 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। तो आप याद रखें शैशव काल का जो समय होता है ये जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का समय होता है शैशव काल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही नहीं दिया गया है? देखिए, सबसे पहला कि वृद्धि और विकास दोनों अलग तथ्य होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वृद्धि विकास दोनों अलग तथ्य होते हैं। दूसरा है कि वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब है, ये साथियों यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है, बिल्कुल सही बात है, और विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास किस स्तर पर भाई तेजी से होता है? शारीरिक विकास पूर्व बाल्यावस्था में तेजी से होता है या फिर शैशवावस्था में या किशोरावस्था में या फिर विद्यालय अवस्था में? तो आप याद रखिएगा कि जो शारीरिक विकास होता है ना ये साथियों शैशवावस्था में बड़ी तेजी के साथ होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था में भाई? शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? अच्छा प्रश्न है, तो भाई ऐसा पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है ये है भाई प्रत्यक्षीकरण। ये शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ नहीं रहता है साथियों, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नाड़ी तंत्र जो है शारीरिक विकास से जुड़ा है, शारीरिक ढांचा हो या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां हो, ये सभी के सभी अंग होते हैं, मतलब शरीर के विकास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षण की खेलकूद विधि कौन से सिद्धांत पर आधारित होती है? भाई कौन सी खेलकूद विधि? तो आपको याद रखना है कि शिक्षण की जो खेलकूद विधि होती है ना ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित भाई नहीं है? ठीक है, इस पर ध्यान देना, जो सीखने से संबंधित नहीं है वो भी बाल्यावस्था के दौरान। तो भाई तर्क वितर्क नहीं सीखता है, तर्क के माध्यम से बालक नहीं सीखता है, तर्क के माध्यम से सिखाना जो है ये एक प्रक्रिया नहीं है, वो भी बाल्यावस्था के दौरान। ठीक है, बच्चा इतना नहीं है कि आपके तर्क समझ जाएगा। ठीक है, तो ये सिखाने की जो है एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूर्व अनुभव प्रतिबिंबन कल्पना ये सभी प्रक्रियाएं बाल्यावस्था के दौरान सिखाने के लिए यूज की जाती हैं। प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? भाई तो आप याद रखें, एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है किशोरावस्था में।
कौन सी अवस्था में भाई, किशोरावस्था, विकल्प बीस का सही जवाब है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो वृद्धि होती है प्राकृतिक प्रक्रिया है वृद्धि, और विकास में जो है साथियों क्या है, बाह्य कारक भी इसमें जो है शामिल हो जाते हैं विकास में। और वृद्धि जो रहती है वो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे शरीर की वृद्धि होना ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को भाई क्या कहा जाता है। गर्भ जब से धारण किया जाता है तब से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था होती है क्या कहा जाता है, तो आप याद रखें इसे साथियों प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रसव पूर्व, प्रसव न होने से पहले तक की समय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, वृद्धि विकास का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब भाई सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत जो है ये वृद्धि विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं उनमें पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और पैटर्न का सिद्धांत, ये सभी वृद्धि विकास के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल होता है क्या। तो आप याद रखिएगा भाषाई क्षमता या फिर कौशलों के, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यहाँ पर भाई गलत दिया गया है। तो आपको याद रखना है जो सिद्धांत भाई यहाँ पर गलत है वो है आपका विकास संयोग का परिणाम होता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। आपको ये याद रखना है कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, यह अनुमानित भी होता है। ठीक, प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि विकास का अर्थ होता है साथियों परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, यही क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो आप याद रखें विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति ये जुड़ी हुई है आपकी कौन सी अवस्था से साथियों, पूर्व किशोरावस्था से। ठीक, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो भाई अत्यधिक दबाव और तनाव का जो समय या तनाव का जो काल है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी अवस्था को, किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है कि 1 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों। तो भाई 6 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है। कैसा होता है भाई, वह आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में केवल इतने ही प्रश्न, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो देखिएगा, पूरी किताब आपको जो है याद करवाई जाएगी। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं, हम आपको ये पूरी किताब याद करवाएंगे। ठीक है, जो कि महावीर पब्लिकेशन की बहुत ही शानदार किताब है और थ्योरी भी इसमें दी है, आप इसे बाय करें मार्केट से। और तेज एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सभी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्ग 3 के स्पेशली। ठीक है, 500+ टेस्ट आपको, 50 मॉडल पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और सभी पुराने पेपर भी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं।